एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.8.3, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक डायपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे जब हम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमने एक डायपोल कंसिडर किया है यहाँ पर, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। कंसिडर अ डायपोल विद चार्जेस Q1 इज इक्वल टू प्लस Q एंड Q2 माइनस Q प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक डायपोल प्लेस्ड है। एज सीन इन द लास्ट चैप्टर इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क क्या करेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ताकि इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाए, ओके। और ये टॉर्क कितना होता है, पी क्रॉस सी, देख चुके हैं हम, पी डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ टॉर्क है, ओके। विच टेंड टू रोटेट इट अनलेस पी इज पैरेलल एंटी पैरेलल टू ई। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज अप्लाइड इन सच अ मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइजेस दिस टॉर्क एंड रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू एंगल थीटा वन एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड वैन विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सपोज एक हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं जो क्या कर दे, जो टॉर्क लग रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर दे, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। सपोज वो क्या करेगा, टॉर्क इसको थीटा वन से थीटा टू एंगल, थीटा नॉट से थीटा वन एंगल रोटेट कर रहा है, ठीक है, एट एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगुलर स्पीड, है ना, और विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज़ विदाउट एनी एंगल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे वर्क डन कर रहे थे, तो जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट हम फोर्स कर रहे थे, और वो फोर्स इक्वल होना चाहिए उसके, और एक्सेलरेशन विदाउट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसमें भी हम जो स्पीड मूव कर रहे थे उसको विदाउट विथ इनफाइनिटेसिमल स्मॉल स्पीड मूव कर रहे थे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ताकि जो नेट उसमें जो एक्सेलरेशन हो जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो लगेगा, ओके, और एक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेट करता है चार्ज को, एक्सेलरेट करते हैं, इट विल रेडिएट एनर्जी, एंड वो हम नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इस बहुत कम स्पीड से, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड से मूव करेंगे, ताकि टॉर्क को तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, जीरो होगा, ठीक है, ओके। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क विल बी गिवन बाय, तो वर्क डन कितना आ जाएगा इस केस में, देखो वर्क डन विल बी व्हाट, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जब फोर्स लीनियर मोशन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, जब एंगुलर मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो टॉर्क टाइम्स द एंगुलर डिस्टेंस दैट इज डी थीटा, ओके। तो दिस इज व्हाट इज वर्क डन विल बी, स्मॉल वर्क डन विल बी हाउ मच, टॉर्क टाइम्स दिस डी थीटा, एंड फॉर द पर्टिकुलर दिस एंगल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन, दिस विल बी थीटा नॉट टू थीटा वन, टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा, ओके। अब देखो टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क एक्सटर्नल कितना है, पी है, पी साइन थीटा है, पी है पी क्रॉस ही है ना, पी है साइन थीटा है, ओके, ये पुट कर दी इसको, फिर हमने पी डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, बाहर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म में बाहर आ गई, ठीक है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इसमें हम क्या थीटा वन और थीटा नॉट पुट कर देंगे, जब यहाँ सब पुट कर देंगे अब तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, कॉस थीटा, सॉरी यानी कॉस थीटा नॉट नीचे, तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन आ जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस साइन भी है, तो ये आ जाएगा वर्क डन, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी इतनी। दिस वर्क इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और ये जो हमने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यही वर्क जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशन फील्ड, वो किस में स्टोर हो जाती है, यस, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसमें भी जो वर्क हम कर रहे हैं, जक्शन और टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में की फॉर्म में वर्क स्टोर हो जाएगा। वी कैन सी देन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा विद एन इंक्लाइनेशन थीटा ऑफ द डायपोल, सिमिलर टू अदर पोटेंशियल एनर्जी देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू इज टेकन टू बी जीरो, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट में कर रही हैं, तो एक पर्टिकुलर पोजिशन पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो चूज कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, इसमें भी हमारे पास फ्रीडम है कि हम चूज़ कर सके यू को, यू की पोजीशन एक पॉइंट पे जीरो चूज़ कर सके, यू की पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे जीरो चूज़ कर सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो इसमें भी हम क्या चूज़ करेंगे, ज़ीरो हम कहाँ चूज़ करते हैं, ज़ीरो पाई नॉट पे चूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका पाई नॉट पे ही चूज़ क्यों गया, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे वहाँ पर क्या दिया एक्सप्लेनेशन, वी कैन राइट। लेकिन अभी के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है ना, कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम ज़ीरो चूज़ कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ज़ीरो हमने पाई बाय टू एंगल पे चूज़ किया, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, उसको हमने ज़ीरो पोटेंशियल चूज़ किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो इनिशियल हम तो यू थीटा क्या आ जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली किसी पर्टिकुलर एंगल पे, वो कितना आ जाएगा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ चूज़ किया है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चूज़ किया, ज़ीरो पाई नॉट पे, ठीक है। तो थीटा नॉट को इनिशियल जो ओरिएंटेशन था इसका, मैंने पाई नॉट लिया है, तो कॉस पाई नॉट माइनस और दूसरा एंगल थीटा, ठीक है। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ओके, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके, और दिस इज कॉस पाई बाय टू इज ज़ीरो, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर एंगल पे कितनी होगी, माइनस पी डॉट ई, ओके। नाउ आगे देखते हैं फिर, दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्टरनेटिवली बी अंडरस्टूड ऑल्सो बाई इक्वेशन 2.29। वी अप्लाई 2.29 द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन देन डिड। 2.29 एक्सप्रेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 2.29 इक्वेशन क्या थी देखते हैं, देखो यहाँ पर 2.29 इक्वेशन ये था किसके लिए था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम एक्सटर्नल दो चार्जेस का एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये आती है क्यू वन वी वन प्लस क्यू टू वी आर टू, ठीक है, क्यू टू अपन 4πε0r12। कैसे आई है तो हम इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगी एक्सप्रेशन क्या था। तो यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर दो चार्जेस थे, ठीक है, और यहाँ पर भी दो चार्जेस हैं, ओके, लेकिन बस फर्क है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। देखो u डैश थीटा कितना आ जाएगा, इस केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो क्यू वी आर वन प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों आए, क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ऐसी माइनस दोनों वहाँ पर क्यू वन क्यू टू था ना, यहाँ पर कितना था देखो क्यू वन क्यू टू था, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों चार्जेस सेम है, ओके, और अपन 4πε0 डिस्टेंस था वहाँ पर, डिस्टेंस कितना है यहाँ 2a डिस्टेंस है, ठीक है, तो सब कुछ वही है। तो दो चार्जेस वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी डाइपोल के लिए भी। हियर आर वन एंड आर टू डिनोट्स द पोजिशन वैक्टर ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, नोट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर वन एंड आर टू इक्वल्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेन फील फ्रॉम आर टू टू आर वन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक्सप्रेशन था ये है ना, एक दूसरी तरीके से कर अप्रोच ले रहे हैं, पहला अप्रोच हमने निकाल लिया ये, यहाँ वी आर वन माइनस वी आर टू क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कितना होगा, वो वर्क डन ही तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, ओके, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें चार्जेस कैसे हैं, तो सपोज अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा ना, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और बोला है आर टू से आर टू वन मूव करने के लिए, तो अगेंस्ट द फील्ड, तो आर टू मैं यहाँ ले लेता हूँ और आर वन यहाँ ले लेता हूँ, ओके, आर टू और आर वन यहाँ पर, ओके, आर टू किसका पोजिशन वेक्टर, प्लस क्यू का बोला, माइनस क्यू का बोला, और आर वन प्लस क्यू का बोला, तो आर टू से आर वन मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आर टू से आर वन, आर टू किसका पोजिशन वेक्टर, माइनस क्यू का, ठीक है, जैसा बुक में लिखा वैसा कर रहा हूँ। और वर्क डन कितना हो जाएगा, सिंपली वर्क डन विल बी क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, और डिस्टेंस कितना, टू ए डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ओके, और फोर्स कितना है, डब्लू कितना, आप देखोगे डब्लू दिस इज क्यू, अब देखो ये फोर्स क्या था, एफ एक्सटर्नल था ना जो हमने किया, वर्क डन कितना आया, एफ एक्सटर्नल इंटू टू ए, ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसको रिप्लेस करो और एफ एक्सटर्नल और एफ जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी वो कितना आएगा, ये आएगा
कौन सा एफ जिसको कूलम फोर्स बोल रहा हूँ, और ये एक्सटर्नल फोर्स और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसको मैं माइनस एफ भी बोल सकता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, क्योंकि या ऐसे समझो इसमें डायरेक्शन क्या है, जो वर्क हम कर रहे हैं है ना, हम क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल इंटू, देखो मैं दोनों तरह से बताता हूँ आपको, ये आ गया एफ एक्सटर्नल इंटू डू ए। ओके, इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, माइनस एफ एफ टू ए, जिसमें एफ क्या है, कूलम फोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, इसकी वैल्यू माइनस क्यू ई टू ए, यही होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। नहीं तो ऐसे भी देखो, इसे वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू, ठीक है, जो फोर्स, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल है हमारे अप्लाइड फोर्स के, सॉरी कूलम फोर्स के। तो एफ जो है, एफ इंटू, अगर मैं ये लिखता हूँ, से वेक्टर इस तरह से लिखता हूँ, ये टू है, लेकिन ये दोनों क्या है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 2a cos 180, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और जो कूलम फोर्स इधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 माइनस आएगा, यहाँ से भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों दोस्त समझ सकते हैं, तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस एफ 2a और f क्या है, माइनस क्यू ई 2a, ठीक है, या क्लियर हो गया होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर कि एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट ये तो 2a तो तब है ना जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन अगर एक एंगल बन रहा है इनके बीच में, ठीक है, थीटा, तो ये 2a, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम कौन सा मानेंगे, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, पैरेलल टू दिस कूलम फोर्स होगा, वही उसके डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर्स 2a, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 2a cos थीटा, ठीक है। तो ये 2a cos थीटा आ गया, और यहाँ से हमारा जो वर्क डन आ गया वो माइनस क्यू ई कॉस, माइनस कॉस क्यू ई क्यू ई, उसके बाद 2a cos थीटा आ गया, ठीक है। कौन क्यू लिया cos थीटा, यहाँ लिखा इसका एक्सप्लेनेशन, द डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू द फोर्स इज 2a cos थीटा, है ना, ये डिस्टेंस डायपोल के बीच में, तो जो दोनों चार्ज के बीच में 2a डिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल टू फोर्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, 2a cos थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट वाला लेंगे 2a cos थीटा। और अगर चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो देखो जो वर्क डन आ जाएगा वो माइनस ई 2a cos थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ एक माइनस का डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने, इसको मैंने बता दिया फिर, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, माइनस ई 2a cos थीटा, ठीक है। और इसको पुट कर देंगे फिर हम यहाँ पर, तो इसकी जगह हमने यहाँ पुट कर दिया, और क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्योंकि q भी है, तो q इंटू 2a आ जाएगा, और q इंटू 2a क्या होता है, p होता है डाइपोल मोमेंट, तो माइनस पी cos थीटा माइनस क्यू स्क्वायर 4 pi epsilon, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और तो ये आ गया एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक पर्टिकुलर एंगल पे लिए। वी नोट दैट यू डैश थीटा डिफर्स फ्रॉम यू थीटा बाय क्वांटिटी विच इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन डाइपोल, ठीक है। हमने यू थीटा निकाला अभी, और यू डैश थीटा निकाला, तो इस दोनों में फ़र्क है, इस क्वांटिटी का फ़र्क है ना। और ये फ़र्क इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रिलेटेड हमें, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ये यू डैश थीटा के लिए निकालेंगे ना, यू डैश थीटा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, यू डैश थीटा 1 है सपोज, यू डैश थीटा 2 निकालता हूँ तो क्या होगा, तब भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जो सिग्निफिकेंट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तब ये कॉन्स्टेंट फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सिंस अ कॉन्स्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन ड्रॉप द सेकंड टर्म, इसलिए हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारा एक्सप्रेशन वही निकल जाएगा। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई वी टुक थीटा नॉट इजिकल टू पाई बाय टू, इन दिस केस द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड ई स्प्रिंगिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कैंसिल आउट। तो एक चीज़ यहाँ थी कि हमने यहाँ पर थीटा नॉट जो इनिशियल एंगल था वो उसको पाई बाय टू के लिया। तो एक्सप्लेनेशन का ये है कि जो डाइपोल है, अगर क्या करते हैं हम इसको परपेंडिकुलर इस तरह से लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखो माइनस क्यू पे कितना वर्क करना पड़ा, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करेगी, ठीक है, कुछ वर्क करेगी, सपोज 10 वर्क कर रही है, कौन करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, है ना, नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो माइनस 10 वर्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी इस पे वर्क, ओके, और प्लस क्यू पे
एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा प्लस 10। क्यों करना पड़ा सेम वर्क? क्योंकि दोनों क्या है सेम डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर लेके आ रहे तो डिस्टेंस अब सेम रहेगा। ओके तो दोनों पे सेम वर्क होगा, दोनों पे सेम वर्क होगा, लेकिन एक वर्क एक वर्क सिस्टम करेगा, एक एक एक्सटर्नल वर्क होगा। दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, टोटल वर्क कितना आ गया? जीरो हो गया। टोटल वर्क जीरो है तो इसीलिए हमने पोटेंशियल भी इस ओरिएंटेशन में जीरो मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल इस ओरिएंटेशन में जीरो मान लिया है। ओके तो ये रीज़न है यहाँ पोटेंशियल को जीरो मानने का। ओके तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे की वीडियोस मैंने पहले ऑलरेडी बना चुका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।